हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सौरव ब्लॉग्स। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। मुझे एक पर्सन ने एक क्वेश्चन पूछा है मेरे वीडियो पर कि अगर यूके में कोई जॉब कर रहा है तो कितनी सेविंग्स हो जाएगी। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये आपकी मतलब सैलरी पे भी डिपेंड करता है, आप कितना अर्न कर रहे हो मंथली उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो अगर आपकी सैलरी अराउंड 29,000 पर ईयर है तो आपको एट द एंड जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 1800 से 1900 पाउंड ही मिलेगी, वो क्योंकि उसमें थोड़ा टैक्स भी कटता है। और अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही है मान लो, फिर आपको अकोमोडेशन का भी पे करना पड़ेगा, मतलब 300 400 जितना भी लगेगा। मतलब जैसे मेरा है, मेरा जो सैलरी है वो 29,000 के करीब है। तो पर मैं एक्चुअली शेफ़ लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इतना मतलब रूम रेंट नहीं देना पड़ता क्योंकि मेरा जो अकोमोडेशन है वो कंपनी का ही है। तो कंपनी मेरे से 59 पाउंड पर मंथ पर वीक लेती है, मतलब ओनली 59 पाउंड पर वीक। तो ये चीप है हमारे लिए क्योंकि 250 पाउंड में मेरे को अकोमोडेशन मिला है, जो मतलब अच्छा अकोमोडेशन, मतलब सिंगल बंदा अच्छे से रह सकता है। तो वही बात है, अगर कोई दूसरी फील्ड से होगा तो उसको अपना अकोमोडेशन भी पे करना पड़ेगा, तो अकोमोडेशन 300 से 400 का आएगा। तो मेरा फूड का भी ऐसा है, तो फूड भी मैं वहीं से मिल जाता है मेरा। तो जैसे मेरा तो पूरा मतलब जितना भी मैं अर्न करता हूँ तो वो सेव हो जाता है क्योंकि मेरे को खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर किसी और फील्ड से है, जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आते हैं कई लोग, अलग अलग फील्ड में आते हैं, तो उनको तो अपना अकोमोडेशन फूड वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप ये चीज़ें काउंट कीजिए। तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी है कि कितनी सेविंग्स हो सकती है। सेविंग्स तो आपके सेविंग्स तब ज़्यादा होती है जब आपके पास अकोमोडेशन चीप रहेगी, ठीक है। अगर अकोमोडेशन ही एक्सपेंसिव है और आपको ट्रैवल करके भी आना पड़ेगा, मान लो आपकी अकोमोडेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब इतना कि आपको एक एक 40 मिनट्स का ड्राइव है या 40 मिनट्स बस में ट्रैवल करने, तो आपको बस में भी तो किराया देना ही पड़ेगा ना आने जाने का, तो वो भी तो काउंट होगा। तो हमारा ऐसा नहीं है कि मेरे अब जहाँ मैं काम करता हूँ वो यहीं है पास में, मैं बाय वॉक जाता हूँ वर्क के लिए, तो मेरे को ना अपने प्लेस पे मतलब ना ट्रैवलिंग का मेरे को देना पड़ता है मतलब वर्किंग का। और बात ऐसी है कि जैसे हमारा तो मेरा जैसे शेफ लाइन का है तो हम लोगों को टिप्स वगैरह मिल जाती है, मतलब मंथ में मिल जाती है, मतलब 150 200 पाउंड टिप्स भी मिल जाती है, ठीक है। तो उसी में मेरा उसका निकल जाता है, क्या बोलते हैं, रूम का रेंट निकल जाता है। तो बाकी हो गया, बाकी हमारे को ओवर टाइम भी है। मान लो अगर आप 10 घंटा वीक भी एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 4 वीक का लगा लो 40, ठीक है, तो 10 पाउंड मिलता है 1 घंटे का, तो 400 पाउंड तो आपने यही कमा लिए, ठीक है। तो 400 पाउंड इंक्लूड आपकी सैलरी तो कितना हो गया, मतलब काफ़ी हो जाता है, मतलब कम भी नहीं, मतलब इनफ हो जाता है, मतलब सेविंग्स अलॉट हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी उस पर डिपेंड करती है आप किस फील्ड में काम करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है। तो कई लोग तो बड़ी बड़ी सैलरियों में भी आते हैं, जैसे 40 45,000, तो उनको तो क्या टेंशन है क्योंकि वो सिटीज़ में रहते हैं। मान लो कोई लंदन में रह रहा है तो लंदन में जो एक्सपेंस है वो हाई है, तो मतलब रूम भी लेना होगा तो आपको 800 से 900 पाउंड का मिलेगा, ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतनी ज़्यादा टैक्स भी तो लगता है, ठीक है ना। अब हमारी कम सैलरी है तो हमारे को 200 पाउंड टैक्स लगता है, जिसकी 4,000 होगी उसको 400 पाउंड टैक्स लगेगा, तो टैक्स भी तो है ना, टैक्स भी तो पे करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर कोई और आप लोगों का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, टेक केयर।